दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑडिटिंग। इसके क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से ही लिख के तैयार रखे हैं, तो आप फटाफट इन्हें चेक कर लीजिए और आपके पास प्रैक्टिस पेन है तो वहाँ से आप इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है सर। और ये सर, इस पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिस मैनुअल के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, RTP से इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, और सर आपके जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो बताने वाला हूँ। तो सर, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बहुत ज़्यादा अफ्रेड हैं, डरे हुए हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो। तो सर, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। और जिन बच्चों की पहले से प्रिपरेशन है एग्ज़ाम को लेके, जिनके टीचर्स ने पहले ही बता रखा है और जिन्होंने पहले ही अपने क्वेश्चंस को मार्क्स कर रखा है, सर वो उसे ही फॉलो करें, क्योंकि कभी भी अपने आप को दो साइड पे नहीं रखना चाहिए सर। हमेशा एक पे ही फोकस करेंगे तो जल्दी ये मिल जाएगा। तो आप अपने टीचर पे फेथ रखें, जो उन्होंने बताया है आप उसे फॉलो कीजिए। ये वीडियो सर उनके लिए है जो अभी एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कैसे किया जाए और क्या किया जाए। तो सर, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सर। चैप्टर वन, सर ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं प्रैक्टिस मैनुअल से हैं सर। सर, चैप्टर वन में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 9 का पार्ट ए, 10 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 12, 19 क्वेश्चन का पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए, 23 का पार्ट सी। सर, चैप्टर नंबर टू स्टार्ट है सर। चैप्टर नंबर टू में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद है सर हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में सर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 20, 26 ए एंड 26 का पार्ट बी, 29 का सर क्वेश्चन नंबर का पार्ट ए, क्वेश्चन 29 का पार्ट ए, 31 एंड 33। सर, चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9, 12, 17 एंड 21, ठीक है सर। आई थिंक आप फटाफट इसे मार्क कर रहे हैं प्रैक्टिस मैनुअल में। सर, चैप्टर 5 आ जाता है सर। चैप्टर 5 में सर 1st का पार्ट बी, 3rd का पार्ट ए एंड सी, 6th का बी, और क्वेश्चन नंबर 18, 19, 22 का पार्ट ए, 27 का पार्ट ए, 28 का पार्ट ए, 31 का पार्ट ए, 32, 40 एंड 45। उसके बाद सर वाउचिंग आ जाता है। वाउचिंग में कुछ मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहले ही लिख लिए हैं, तो आप इन्हें मैच कर लें सर। इसमें सर आप देखने वाले हैं कैश वाउचिंग, डेप्रिसिएशन, कंटीजेंट लाइबिलिटी, सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो कि आपको सर ऐसे 560 में मिलने वाला है। उसके बाद सर कट ऑफ प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। उसके बाद सर पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी आप पढ़ के जाने वाले हैं, एंड एनालिटिकल रिव्यू, ठीक है सर, एज पर एसए 500। उसके बाद सर आप स्पेशल ऑडिट देखेंगे। स्पेशल ऑडिट में आप क्लब ऑडिट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, होटल, सिनेमा हॉल, ये सर कंपलसरी है पढ़ के जाना आपके लिए। इसमें है सर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मस्ट लिस्ट में करके जाएंगे सर, ठीक है सर। मस्ट है कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वो पढ़ के जाइए, लेकिन ये जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में से इसमें आपको धप्पा मिल सकता है सर, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होके जाएं। फिर बात आती है सर कंपनी ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट में सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं सर। 30 मार्क्स के लिए आपको पूरा PM एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है सर, ठीक है सर। तो इसमें मैं आपको कोई गैस क्वेश्चन की लिस्ट नहीं दूंगा, ये आपको खुद से एक बार कर लेना है सर। और सर इसके बाद RTP के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2nd, 4th, 5th एंड 8th, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8 का पार्ट बी, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी, 13 का डी, 14 का बी, 17 का बी, 18 का बी। और सर ऐसे है इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए 230, 330, 450, 505, 505, 520, 610, अमेंडमेंट है सर इसको जरूर कर लेना, और 710, ठीक है सर। तो ये आप कुछ टॉपिक हैं जो मेरी साइड से आप करके जाने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्ज़ाम में से इसमें से बहुत से क्वेश्चन मिले
और जिन जो बच्चे डरे हुए हैं कि कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें लास्ट टाइम में, जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, वो सर इसे जरूर करके जाएं, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सर, सब्सक्राइब कीजिए और इन क्वेश्चनों को एग्जाम के लिए जरूर करके बचाइए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।